दरियो जहाँ से कल हमने पुल पार किया था यहाँ पे जो है एक गाड़ी फंसी हुई है। अरे ये हम ना रे ये खड़े और बना ले बोले से। अरे मासूम काटा बोले तो ये की गलती खाने। हाँ आज सब बढ़िया नहा के जान दरियो। जाओ 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 नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोग में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों अभी मैं हूँ कोलानी में, कल दिन में आया था मैं यहाँ पे शादी की बुकिंग में। अभी बारात तैयार हो रही है, बारात ने यहाँ से जाना है नैनी गाँव। तैयार तो क्या, अभी तो पहले मंगल स्नान होगा, बाकी उसके बाद फिर बारात तैयार होगी, यहाँ से निकलेगी और उसके बाद टेटुड़ा से नैनी तक का हमने जो है पैदल सफर तय करना है। चलिए आज के ब्लॉग किसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो आज का दिन है वो किस तरीके से व्यतीत होता है। बारात पहुंच चुकी है रोड पे, अब गाड़ियों के चलने का इंतजार है। और ये है देखो हमारी गाड़ी, बिल्कुल आगे लगा रखी है मैंने। बलवीर, आयु, लक्ष्मी, तो बस अब इंतजार कर रहे हैं बारात के यहाँ से प्रस्थान का। उसके बाद लक्ष्मण गाड़ी चलाएगा, हम ड्रोन उड़ाएंगे। यहाँ से करीबन सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूरी है टेटुड़ा, फिर वहाँ से ऊपर जाना है नैनी। तो बस फिलहाल तो पीछे आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है, मज़ेदार धुन मज़ेदार। ये रहा यार ज़्यादा दूरी क्यों दिखाना, ये है आपका यहाँ से बारात जा रही है, ये सामने है आपका टेटुड़ा गांव, और ये है ये टेटुड़ा है, और ये है ऊपर नैनी जहाँ हमने जाना है, ये रहा। तो बस यहाँ से इतना ही है, ये है आपका देखो ये कोलानी है, यहाँ यहाँ हम बारात आ रखे थे। इस साइड से अगर आप सामने देखोगे ये माईथान धामदेव होते हुए वो सामने है टेटुड़ा जो बड़ा सा गांव दिख रहा है, और उसके ऊपर है नैनी जहाँ बारात में जाना है। तो बस अब इंतज़ार करते हैं बारात के यहाँ से प्रस्थान का। 3-4 दिन तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन कल से मौसम ने फिर करवट ले ली है और अब धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। जहाँ से कल हमने पुल पार किया था यहाँ पे जो है एक गाड़ी फंसी हुई है, ये देखो गाड़ी फंसी हुई है इस चक्कर में, हम सब की गाड़ी फंसी हुई है देखो, ये हमारी है, इधर बारात की गाड़ी है, ये देखो। अरे
उस गाड़ी को खींचेंगे पहले तो, अभी नीचे शायद पत्थर पत्थर लग गया उसका। कल हमने तो बड़ी आराम से पार कर लिया है, लेकिन यहाँ कुछ भयंकर जगह। तो अब ट्रैक्टर की मदद से खींची जाएगी गाड़ी, ये ट्रैक्टर भी एंड टाइम पे इसी लिया भाई, गाड़ी जाने का नहीं है सर। कल आज ही उनके रुले द्वारा ले आओ गार बड़ा डूम खड़े भी तो बल निकल चुके, आराम आराम से सीधा आराम से आशे अब मने ना कर दे। आओ बैग गियर आओ 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 अरे पिछला टायर फंसी यार, पिछला टायर फंसी, पिछला टायर निकली 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 निकली, जय हो जय हो जय हो जय हो, ये बहुत दिक्कत करनी यार गए। इसका टायर बेचारे का हवा में ही चल गया। अरे 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 यार हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर सारे एक सबर करे क्या ड्राइवर। जय माता दी, जय माता, चलो 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 चलो, जय हो। ऊपर निकल गई बाबा, निकली 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 ऊपर निकली, हो दीद भी निकली निकली, जय हो। वो ट्रैक्टर लग गया बिल्कुल काख पे, उसके सामने लग गया हमारी गाड़ी, क्या हुआ थोड़ा तो आराम जल गए। जय हो भगवान, आओ जाइए आओ, चलो चलो चलो, पहले हमारी गाड़ी लगी झरे बैठो। ये है दबरे पानी, राम गंगा माता सहायता करियो, पहले ट्रैक्टर जाएगा, ये ट्रैक्टर तवार पार लगा जाए ना, अगर इनकेस गैर फंसी तो उसके पीछे से आएगी मेरी गाड़ी, देखो चाचा चला रहे हैं। पानी ज्यादा है नहीं तो नहीं है बस, चलो 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 आराम से, यहाँ पे है पानी देखो किला किला अब हम हुए चलते रहो आराम आराम से, ये देखो यहाँ खड़े हुए हैं। माथु माथु तुम खड़े खड़े में दबाई तुम बोल चल चलो निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, जाओ चलो चलो बप्पो, ये आफत आ रही दगड़े यहाँ पे। अरे ये हम ना रहे, ये खड़े में ना ले बोले जाओ, यद गया घूम के यद काटा माथू काटा माथू काटा माथू माथू काटा, अरे माथू काटा बोले तो ये की गलती करने, अरे भाई लोगों ही नु बोला ना यम में। हाँ हाँ सब बढ़िया, तुम हाके जान लग रहे हो, अरे मर घाट पे तू लगी बोला, रुका रुका रुका, अरे वाह आदिम चेयर तुम एक दो तीन ना करो तुम्हारे, आज तो सब बढ़िया नहाने जान। हाँ वाह जा 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 धूम यार बहुत धूम, ओह बहुत गड़बड़ कर दिया लग रहे हो, इतनी आफत तो मेरी छोटी सी स्लैरियो को भी नहीं आई, स्लैरियो कहाँ भाग गई, चाचा उसको लेके ही चले गए उधर, तो ये निकल जाए बड़ी बात है। जाओ 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 चलो चलो, ये देखो दगड़ियो ये है सुमो का इलाका, सुमो तो क्या है एक ही बार में आई उड़ते हुए, चलो चलो बढ़िया बढ़िया। तो दगड़ियो लगभग सारी गाड़ियां निकल गई हैं, हाँ चलो चलो अब चलते हैं। हाँ क्या हालत है, अरे तो कीचड़ तो हो गई गाड़ी में, हो गया नहीं चलो अभी उड़ाएंगे इसको ऊपर जाके। जय हो भगवान, ये है गाड़ियाँ सारी, ये दूल्हे की गाड़ी, इसके पीछे से सुमो तो तुरंत निकली है, सुमो लिखी भी दिक्कत नहीं कर भाई, गवा मामला फिर गए। अरे वाह
दगड़ियों हम चल पड़े हैं, अब हम सीधा टेटुड़ा रुकेंगे जहाँ से हमने पैदल रास्ता तय करना है ऊपर नैनी के लिए। बाकी गाड़ियाँ भी वहीं फंसी हुई हैं, देखो कुछ कुछ गाड़ियाँ दिखाने की कोशिश करो जाओ मैं वो नीचे दिख जा यहाँ। देखो इस रोड से आए हैं, मतलब ऐसे ही देख लो आप, वहाँ से आए हैं वो सामने है कोलानी, ये देखो ये है कोलानी, ये नीचे गाड़ियाँ फंसी हुई, ये पुल है वो जहाँ हम फंसे। चलो पुल बन रहा है अभी तक। हाँ ये मतलब वो गधेरा ये वो, तो हम बस सीधा टेटुड़ा ही जाके रुकेंगे। और टेटुड़ा है ही कितना, ये आ गया टेटुड़ा सामने है, टेटुड़ा है इसके ऊपर नेड़ी आधा कभी आधा किलोमीटर होल ना माँ तू आधा किलोमीटर जाओ छह चलो चलते हैं अब गाड़ी रोकते हैं फिर। हाँ मैं अब गया नहीं हूँ यार कभी भी, फिर वहाँ से सीधा टेटुड़ा से ही ड्रोन शॉट लेंगे पूरे रास्ते का, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, ड्रोन तो पहुँच जाएगा दूर। चलो बहुत सरल भाई, तो देख रहे हो टेटुड़ा से ऊपर आ चुके हैं हम और नैनी से नीचे, और टेटुड़ा नैनी के बीच में पैदल रास्ता तय कर रहे हैं अभी हम। बरातियों की कतार तो क्या ही बताऊं, जितने मेरे पीछे हैं उससे ज़्यादा मेरे आगे भी है, देखो वो परे पहुँच गए देखो, और ज़्यादा दूर नहीं आना हमको, ऐसे घबरा रहे थे हम। ये बराती की कतार है, ये कतार है, और ये रहा बरात वाला घर, तो इतनी ही दूरी रहेगी ये, सिर्फ दो 400-500 meters। और ये आगे बाराती पीछे उतने भयंकर बाराती, ये देखो दौड़ी बारात, पहली बार दौड़ी साथ में, हवा 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 अच्छी बाराती। नैनी गांव में आगमन हो चुका है, और अभी मैंने ये अपने बैटरियां चार्ज में लगा रखी है, और
दौड़ियो जयमाला संपन्न हो गई थी, उसके बाद मैं नैनी से वापस टेटुड़ा आया और अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से महलचोरी। महलचोरी में दीपू और क्या बोलते हैं मनोज भाई भी हैं और थोड़ा सा मेरे को अपना ब्लड टेस्ट भी कराना है क्योंकि मेरे चेहरे की जो बैंड बजी हुई है ना पिछले एक दो हफ्तों से इतने ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर मतलब पता नहीं क्या हो गया है। तो एक बार ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, कहीं कुछ शरीर में अनियमितता तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, बस वही चेक कराना है। चलिए चलते हैं और मिलता हूँ सीधा आपको महल चोरी। तो दौड़ियो मिल चोर पहुँचियो, चल रहे आओ ये हमारे इंजेक्शन भी लगा ला जाओ। मेरे साथ के मोहित हो गया, दीपू अपने मनोज भाई ही हैं। हम पे अब लगेगा इंजेक्शन, जरा ये नज़दीक से देखो मेरे फेस की कायद दशा। चलो घर में खाऊंगा आराम से, ये देखो फ्री फायर पर जीना। मरीज को दिखाओगे, ये है मरीज। तो ये है अभी ब्लड टेस्ट भी होगा, ब्लड टेस्ट भी हुआ। हाँ पहले तो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इंजेक्शन नहीं खून निकाल जा। अच्छा खून निकालने में पहले बेहस का इंजेक्शन लगाएंगे इनको, जब बेहोश हो जाएंगे उसके बाद लगाएंगे। बेहोश होने को क्या कर रहे हो, किडनी निकाल रहे हो मेरी है? ले मुझे पकड़ कर पीछे में ग्रेनो में भी सने बीड़ी बने हुई। तो आप दूसरे एंगल से हाथ गाड़ी, एक हाथ से दवाई डालिए एक हाथ से खून निकालेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून कम होगा तगड़िया आज इनका। मैं खून से क्या ज्यादा आ गया है, खून की मात्रा ज्यादा आ गई है, निकाले हैं खून ज्यादा हो गया है। जी बोल रहे थे, बोला तमिल निर्बल ब्लॉगर बने हैं देख रहे थे कि बिलमिल खून ज्यादा था, खून ज्यादा हो गया हो, खून की मात्रा हुई तो हो खून ज्यादा है। तो जब तक रिपोर्ट आती है तब तक हम लोग अभी है ना, अभी यह घंटा और ब्लड टेस्ट कराने के बाद अब खाने की बारी है। देखियो उधर हमारे मनोज भाई नोबड़ा प्लेयर, इनको आ रहे चक्कर आ रहे, ये ला चक्कर आने नींद
नींद आ रही है इनको, बहुत तगड़ी वाली। तो दौड़ियो, मैं चोरी से बाल कटवा के सामान लेके वापस आ चुके हैं। तो बना, तो दगड़ियो मालकोट से गांव तक का सफर हो गया है प्रारंभ। समय 7 बज रहे हैं, आधे घंटे में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, आईपीएल का फाइनल। ए भाई आधा घंटा रही, तेरी फेवरेट टीम का फाइनल है आज, चेन्नई वर्सेस जीडी। तो बस वहाँ पहुँचे थे, जो इंजेक्शन लगाया उससे मेरे को इतनी सुस्ती आई कि सुस्ताते मैंने बाल कटाए, सामान खरीदा और फिर सीधा मालकोट आ गए। चलिए घर चलते हैं, मिलते हैं आपको ऊपर सीधा। जय हो माँ भगवती। देखो पहुँच गए हैं गांव की दहलीज में, समय 7:45 और मैच अभी शुरू हुआ नहीं है क्योंकि बारिश आ गई है वहाँ मैदान में। तो उम्मीद है कि घर जाके जैसे नहाने के तैयार होंगे तो मैच ही शुरू हो जाएगा। तो दगड़ियो पहुँच गए हैं गांव में, मियो कने फोन की पहुँची भाई लो चप्पल जूता जू चप्पल पहन लिया मैंने जूते ही इसमें। तो दगड़ियो पहले नहा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, बहुत बुरी स्थिति है। तो दगड़ियो स्नान वगैरह हो चुका है और अब समय है रात्रि भोजन का। तो पूरे 1 घंटे हो चुके हैं, 8:30 हो गया है समय और अभी तक फाइनल मैच के जहाँ आईपीएल का फाइनल होना है वहाँ लगातार बारिश चल रही है। और ये है मेरी शक्ल की हालत, देखो इस वजह से जो है टेस्ट कराया था। तो टेस्ट में क्या आया है, क्या है टेस्ट में, लीवर में गर्मी है ना, लीवर में गर्मी है बल, और पानी पियो, खूब पानी पियो। तो ये बैंड बजी हुई मुँह की, मतलब आप रात को सो तो सुबह 4 बार पिंपल ऐसे उगे होते हैं। चलिए ये ब्लॉग को समाप्त करते हैं इसी के साथ। ओ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अब ठंड लग रही है, दगड़े क्या कर सकते हैं, बारिश आती है तो ठंड लगती है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। चलिए ब्लॉग को करते हैं समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।